हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फीड फॉर रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के लिए फीड क्या होता है? स्ट्रेट रन गैसोलिन रिफॉर्मिंग के लिए फीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमराइजेशन एन पैराफिन्स टू आइसो पैराफिन्स। आइसोमराइजेशन में क्या होता है? स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है आइसोमराइजेशन कहलाता है, और ये एन पैराफिन से आइसो पैराफिन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम फॉर्मेशन टेंडेंसी इन गैसोलिन ओलिफिन। तो गैसोलिन में गम फॉर्मेशन टेंडेंसी किसके कारण होती है? ओलिफिन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश पॉइंट गिव्स एन आइडिया। फ्लैश पॉइंट क्या आइडिया देते हैं? हायर यील्ड ऑफ गैसोलिन, हायर ऑक्टेन नंबर, लो बॉइलिंग फ्रैक्शन और नेचर ऑफ बीपी मींस नेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ये आइडिया देते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर ऑफ क्रूड ऑयल इज 12.5। तो कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर किस क्रूड ऑयल का 12.5 होता है? ये होते हैं हमारे पैराफिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजायरेबल इन पेट्रोल। तो पेट्रोल में क्या डिजायरेबल होता है? एरोमेटिक्स हमारे पेट्रोल में डिजायरेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजायरेबल इन केरोसिन। केरोसिन में क्या डिजायरेबल होता है? पैराफिन्स केरोसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन गैसोलिन। गैसोलिन में एंटीऑक्सीडेंट को क्यों ऐड किया जाता है? तो गम फॉर्मेशन को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज गम फॉर्मेशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट गैसोलिन में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ HGO प्रोड्यूस्ड बाई वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के द्वारा जो HGO प्रोड्यूस होता है, हैवी वैक्यूम गैस ऑयल, HGO मींस हैवी वैक्यूम गैस ऑयल जो प्रोड्यूस होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन के द्वारा, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फीड ऑफ FCCU फ्लूड कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट जो होते हैं रिफाइनरीज में, उसका फीड बनता है HGO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डेक्रॉन टॉप टू बॉटम हैज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। तो जो डेक्रॉन प्रोडक्ट होता है वो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है। कौन से करेक्टर्स के इंक्रीज करते हैं? एक नंबर, एक बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट मॉलिकुलर वेट और CH रेशियो मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो जो है इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल क्या है? प्राइमरी एंड फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्रूड पेट्रोलियम ऑयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव। तो गुड ल्यूब्रिकेटिंग जो ऑयल्स होते हैं, अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं, उनकी विस्कोसिटी इंडेक्स जो होती है वो बहुत ही हाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस ब्रेकिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है किसके लिए? फ्यूल ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए। विस ब्रेकर यूनिट जो होती है रिफाइनरीज में वो मेनली फ्यूल ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल पर। तो पोर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए इक्वल होते हैं? वाटर के लिए ये दोनों इक्वल होते हैं, पोर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट। तो सबसे पहले ल्यूब ऑयल, फिर डीजल, फिर पेट्रोल, फिर LPG। तो ल्यूब ऑयल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद डीजल, उसके बाद पेट्रोल और उसके बाद LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZSM जियोलाइट जो कि एक कैटलिस्ट है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इन हैंडलिंग ऑफ ऑक्टेन नंबर को हैंडल करने के लिए ZSM5 जियोलाइट कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। ZSM5 जियोलाइट का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? जियोलाइट सोकोनी मोबिल 5 इज द फुल फॉर्म ऑफ ZSM जियोलाइट।